नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा जिले के समरिया तहसील में सेक्शन राइटर 4000 की घूस लेते पकड़ा गया। लोकायुक्त पुलिस ने ये कार्रवाई की। गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनाने के नाम से 4000 रुपए की घूस मांगी थी, जिसको लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता पाई। गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनाने के लिए सेमरिया में सेक्शन राइटर 4000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। तहसीलदार के नाम से मांगी थी घूस। सेमरिया तहसील में पदस्थ सेक्शन राइटर 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों लोकायुक्त पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। सेक्शन राइटर रावेन शुक्ला के द्वारा ये रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत पीड़ित के द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त गोपाल सिंह धाकड़ को मिली थी। शिकायत की सत्यता की जाँच करवाने के बाद आरोपी को 4000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। हम आपको बता दें, गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनाने के नाम पर राम प्रकाश साकेत नाम के युवक से, जो कि सेमरिया का ही रहने वाला है, ने आरोपी ने 5000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसमें से आरोपी 1000 पूर्व में ही ले चुका था। 4000 रुपए लेना बाकी था, लेकिन जब उसने 1000 रुपए लेने के बाद भी राशन कार्ड नहीं बनाया, लगातार वह परेशान करता रहा। परेशान होने के बाद एसपी के पास पहुंच गया शिकायत लेकर। लोकायुक्त एसपी ने राम प्रकाश साकेत की शिकायत पर जांच कराई। राम प्रकाश की शिकायत को गंभीरता से लिया, जांच सही पाई गई। उसके बाद ट्रैप की कार्रवाई आयोजित की गई। कार्रवाई करने के बाद लोकायुक्त की टीम उसको लेकर पूर्वाफाल पहुंच गई, जहां खबर लिखे जाने तक कार्रवाई जारी थी। ट्रैप कार्रवाई के संबंध में एसपी गोपाल सिंह धाकड़ का साफ तौर से कहना था, शिकायतकर्ता ने तहसीलदार के नाम पर रिश्वत की बात की थी, उस मामले की भी हम जांच कर रहे हैं, जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमें राम प्रकाश साकेत ने आकर कहा था, हमसे गरीबी रेखा के राशन कार्ड के नाम पर 5000 रुपये मांगे जा रहे हैं सेक्शन राइटर सेमरिया रावेन शुक्ला के द्वारा। 1000 रुपए वो ले चुके हैं, 4000 रुपए और मांग रहे हैं, जबकि उनने कहा था 1000 दे दो, मैं राशन कार्ड बना दूंगा। हमने अपनी टीम को सक्रिय किया। हमारी टीम ने जांच की, राम प्रकाश की शिकायत हमने सही पाई। उसके बाद हमने आज सुबह सेमरिया में ट्रैप की कार्रवाई आयोजित की। जैसे ही उन्होंने 4000 रुपए लिए, हमने उनको पकड़ लिया है। फिलहाल हम कार्रवाई जारी किए हुए हैं, लगातार हम कार्रवाई करेंगे जब भी हमें कोई शिकायत मिलेगी, लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ का ऐसा कहना। पिछले साल भी लोकायुक्त ने काफ़ी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की थी। इस साल भी जिस तरीके से लोकायुक्त पुलिस ने लगातार कार्रवाइयाँ की हैं, उसको देखकर माना जा सकता है पिछले बार 70 से ज़्यादा कार्रवाइयाँ थी, इस बार उसका रिकॉर्ड भी टूट सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर घूसखोरी रिश्वत के प्रकरण लगातार सामने आ रहे हैं, लोकायुक्त उसी हिसाब से लगातार कार्रवाई कर रही है। पूरे मामले को लेकर जब हमने एसपी लोकायुक्त गोपाल सिंह धाकड़ से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। ये अभी एक सेमरिया में आज लिखित रूप के द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें आवेदक है राम प्रकाश साकेत के रहने वाले एमई सेमरिया के। उनने जो है एक आवेदन दिया था तहसील कार्यालय तहसीलदार को सेमरिया में। उनका गरीबी रेखा का जो गरीबी रेखा का राशन कार्ड बना था, उनकी मदर और उनके बच्चे जो भी बीमारी है उसका इलाज के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। करीब एक माह से ऊपर से उनका आवेदन वहाँ पेंडिंग है। बार बार गए, तहसीलदार से भी मिले, रीडर से भी मिले, तो उन्होंने जो है उसके बाबू जो है रावण शुक्ला के द्वारा उसने आवेदक से 5000 रुपये की मांग, जिसमें से 1000 रुपये पहले ले भी लिए थे, उसके बाद भी उसने काम नहीं किया। तो फिर जो है परेशान होकर उसने हमारे यहाँ शिकायत की। उस शिकायत का पूरा वेरिफिकेशन कराया, सत्यापन कराया, सही पाई गई। उसी तारतम में आज जो है रावेन शुक्ला जो रीडर है तहसील सेमरिया का, उसको 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई अभी सेमरिया में जारी। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।